Hello guys, welcome back to my channel. You are watching Queen Neha and as you know, I am Neha. So guys, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरे पहले भी एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि एंटी एजिंग फेस पैक बनाने के लिए. सो आज मैं एक एंटी एजिंग फेस पैक आप सबको बनाकर दिखाऊंगी. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ हिट नोटिफिकेशन बेल और नोटिफिक ताकि जब भी मैं मेरे चैनल में जब भी नई वीडियो अपलोड करते रहूं आप सब वो वीडियो देख सके. सो चलिए एंटी एजिंग फेस पैक को बनाते हैं. तो इस एंटी एजिंग फेस मास्क को बनाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी. एट फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक ले ली है. हमें यहाँ पर एक वाइट यूज़ करना होगा. And second, I use lemon juice. And third ingredients I use here, half teaspoon raw honey. तो ये तीनों चीज़ हमें ये एंटी एजिंग फेस पैक को बनाने के लिए ज़रूरत होंगे. यहाँ पर मैंने ये एग वाइट ले ली है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 tablespoon lemon juice. And then I added here हाफ टी स्पून रॉ हनी. देन मुझे ये तीनों चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे. मैं जैसे इसको वन साइडेड प्रोसेस में मिला रही हूँ, आपको भी इस प्रोसेस में ये तीनों चीज़ एक साथ मिक्स करनी है. तो देख रहे हो कि ये मेरा एंटी एजिंग फेस पैक एकदम रेडी है. तो अब मैं ये फेस पैक मेरे फेस पर अप्लाई करूँगी. तो मैं यहाँ पर कर्टन अपने फेस को अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लीन कर लूँगी. आप भी अपना फेस इस तरह से अच्छी तरीके से फेस पैक लगाने से पहले क्लीन कर लीजिए. एंड देन मैं ये फेस पैक कर्टन बॉल से मेरे फेस पे अप्लाई करूँगी. अगर आपके पास कोई ब्रश हो तो वो ब्रश भी आप इस फेस पैक को लगाने में यूज़ कर सकते हैं. इस फेस पैक में मैंने एग वाइट डाला है. एग वाइट में बहुत ही मात्रा में प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारे ओपन पोर्स को खोलकर ये स्किन को लाइटन बनाती है. और उसके साथ साथ हमने ये फेस पैक पे हनी यूज़ की है. हनी भी हमारे स्किन से ब्लेमिशेस डार्क स्पॉट रिमूव करने में हेल्प करता है. और हमने इसमें ऐड किया लेमन जूस. लेमन जूस भी हमारे साइट्रिक एसिड होने की वजह से हमारे स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन से सनटैन रिमूव करता है. तो आप देख रहे हो मैं ये फेस पैक अपनी स्किन में ऐसे अप्लाई कर रही हूँ. अब तो आप भी इसको ऐसे अप्लाई करिए. अब ये फेस पैक को रिमूव करने के बाद एक साफ कपड़े से मैं मेरी स्किन को अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी. और आप देख सकते हो मेरे स्किन में नेचुरल सा ग्लो दे रहा है जिससे मैं बहुत ही हाइड्रेट फील कर रही हूँ. तो देखा आपने, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से ये एंटी एजिंग फेस मास्क बन गया. और मैंने अभी मेरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मेरा फ्रेश एकदम फ्रेश और नेचुरल ग्लोइंग करने लगा. सो आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको जहाँ भी मन हो इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें. और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए. सो नाउ बाय.